ओके, गुड इवनिंग बच्चों। सो कल पावर कट की वजह से क्लास नहीं हो पाई और हम लोग एनसीईआरटी में अपना एक मेंडल वाला चैप्टर, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसके बेसिक्स पढ़ रहे थे। और याद है हम लोगों को, हम लोगों ने कहा था कि भाई हम इसके बेसिक्स ही पढ़ सकते हैं, पूरा चैप्टर तो पॉसिबल है नहीं। सो आज हम लोग उसी चैप्टर के कुछ बेसिक्स और पढ़ते हैं, जिनसे हमारे मेन मेन क्वेश्चन निकल जाते हैं, जिनमें से हम लोग मेंडल के लॉस पढ़ चुके हैं। दो लॉ हम लोगों ने पढ़ लिए थे, पहला लॉ तो था भाई लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि जो करैक्टर होते हैं वो फैक्टर के रूप में होते हैं और ये पेयर्ड होते हैं, पेयर्ड। और ये करैक्टर जब पेयर्ड होते हैं तो इनमें से एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। उसका मैं तरीका आपको सिखा चुका हूँ कि कौन डोमिनेंट हो सकता है, कौन रिसेसिव हो सकता है। खैर, लॉ ऑफ डोमिनेंट में हम लोगों ने बोला था कि लेट सपोज आप कभी कोई करैक्टर लो, जैसे करैक्टर लेते वक्त आपको एक पेरेंट लाइन लेनी पड़ेगी, पेरेंट लाइन लेते वक्त आपको जो भी पेरेंट लेने होंगे वो ट्रू ब्रीड लेने होंगे। लेट सपोज एक करैक्टर लिया हम लोगों ने हाइट, तो हाइट कैन बी ऑफ टू टाइप अदर, इट मे बी टॉल एंड ड्वार्फ। या तो ये टॉल हो सकते हैं या तो ड्वार्फ हो सकते हैं। ड्वार्फ होना भी हाइट है और टॉल होना भी हाइट है। फिर हम लोगों ने देखा कि इन दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग की गई, तो सबसे पहले हम लोगों ने पेरेंट बनाया, ये पहला काम था। दूसरा हम लोगों ने क्रॉस ब्रीडिंग की थी, हमने कहा था कि भाई मेंडल साहब ने यही तीन काम किए। और क्रॉस ब्रीडिंग करने के बाद हमने F1 को बनाया, फर्स्ट फिलियल जनरेशन बनाई। और फिर हम लोगों ने ये सीखा था कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन में पेरेंट्स में दोनों पेरेंट्स के करेक्टर नहीं आएंगे, किसी एक पेरेंट का करेक्टर आएगा। जैसे इन दोनों में से एक टॉल था एक डॉर्फ था, तो पहले हमारे पास कौन आया, टॉल, और जो आया उसी को हम लोगों ने नाम दिया डोमिनेंट। हमने इसको नाम दिया डोमिनेंट, ओके। फिर हम लोगों ने क्या किया कि F1 की सेल्फिंग करा दी। ये तीन काम ही हम लोग बार बार कराते थे, हमने बोला था इसे आप भूलिएगा मत। तीसरा काम था F1 की सेल्फिंग कराना और हमको उससे F2 मिलता था, और F2 पे दोनों पेरेंट के करेक्टर आ जाते थे टॉल एंड ड्वार्फ। और टॉल एंड ड्वार्फ किस रेशियो में आते थे, 3:1 के रेशियो में। ये जो 3:1 था ये जीनोटिपिक रेशियो था, सॉरी ये फिनोटिपिक रेशियो था। और इस फिनोटिपिक रेशियो के अंदर जीनोटिपिक रेशियो था, दैट वाज अ 1:2:1, जिसमें 1:2 कुल मिलाकर तीन ये थे टॉल और एक था ड्वार्फ। तो खैर, हमारे पास टॉल और ड्वार्फ का जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो दोनों आ चुका था, और हम लोग जानते हैं कि कैसे जीनोटिपिक रेशियो और कैसे 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 फिनोटिपिक रेशियो हम लोग पढ़ पाएंगे। अच्छा, फिर हम लोगों ने कहा था कि मेंडल साहब अपने पेरेंट के लिए जानते थे कि पेरेंट उनका प्योर ब्रीड है, पेरेंट उनका तो प्योर ब्रीड है। F1 के बारे में भी वो जानते थे, क्योंकि F1 की सेल्फिंग करने पर बेटा टॉल एंड ड्वार्फ दोनों आ गया, तो वो जानते थे कि F1 जो था वो अपना करेक्टर स्टेबल नहीं रख पाया, इसलिए F1 का भी जानते थे कि वो हाइब्रिड है, F1 इज ऑलवेज हाइब्रिड। पर मेंडल साहब F2 के डोमिनेंट के बारे में नहीं जानते थे कि ये जो तीन टॉल हैं इनमें से कौन सा टॉल टॉल है, कौन सा टॉल बेटा जीनो होमोजाइगस टॉल है और कौन सा हेटरोजाइगस टॉल है। इसके लिए उन्होंने टेस्ट क्रॉस एक करा था, और आपको मालूम है टेस्ट क्रॉस के क्या क्या रिजल्ट आए थे। हमने बोला था लेट सपोज ए कैपिटल टी वाला टॉल है, अगर कैपिटल टी वाला टॉल है तो उसे होमोजाइगस रेसेसिव के साथ क्रॉस कराइए। होमोजाइगस रेसेसिव के साथ क्रॉस कराने के बाद आपको कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, मतलब टॉल बंदा था, होमोजाइगस रेसेसिव करने के बाद भी सारे मेंबर टॉल ही मिले, टॉल था टॉल मिले, यानी डोमिनेंट बंदा था और सारे मेंबर डोमिनेंट ही मिले। ऐसा डोमिनेंट बंदा जिसका रेसेसिव के साथ क्रॉस करने पर भी केवल डोमिनेंट करेक्टर आए, उसे हम लोग प्योर ब्रीड बोलते हैं। ये बात हमने पिछले लेक्चर में आपको बता दी थी, इट वॉज अ प्योर ब्रीड, ओके। और इसके बाद दूसरे तरीके का भी टॉल हो सकता है, दूसरे तरीके का टॉल कैसा हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और हमने स्मॉल टी के साथ इसको क्रॉस कराया, तो यहां से दो गैमिट बने, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। यहां से केवल स्मॉल टी गैमिट बना और बना कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, यानी आपको टॉल भी मिला और ड्वार्फ भी मिला, और रेशियो क्या मिला, 1:1 का। अच्छा, मैं एक चीज ये बताने के लिए दोबारा इसे पढ़ा रहा हूं ताकि आप ये चीज देख ले, मुझे काम आएगी।
जो भी टेस्ट क्रॉस का रेशियो आता है, टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो आता है, याद रखिएगा आप लोग हमेशा के लिए, टेस्ट क्रॉस के जो भी रेशियो आते हैं ये इनडायरेक्टली आपको बताते हैं, दे इनडायरेक्टली टेल्स अबाउट टाइप्स ऑफ गैमेट, टाइप्स ऑफ गैमेट, ये टाइप्स ऑफ गैमेट के बारे में बताते हैं। देखिए यहां पर कैपिटल टी था तो सारे गैमेट कैपिटल टी यानी एक ही प्रकार के हैं, इसलिए रेशियो यहां पर कुछ नहीं आया, यहां पर सारे मेंबर टॉल है। लेकिन यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी था और इस वजह से यहां कैपिटल टी भी एक गैमेट बना और स्मॉल टी भी एक गैमेट बना, तो कैपिटल टी एक गैमेट बना, दूसरा गैमेट स्मॉल टी बना, तो गैमेट कितने बने, दो। इसीलिए बेटा एक कैपिटल टी को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा स्मॉल टी को रिप्रेजेंट करता है, इट इज 1:1। सो टेस्ट क्रॉस रेशियो जो भी होते हैं वो हमेशा, टेस्ट क्रॉस रेशियो हमेशा आपको इनडायरेक्टली आपको बताने की कोशिश करते हैं कि बेटा टाइप्स ऑफ गैमेट कितने कितने प्रकार का बना। मैं कितनी बार भी बोल दूं, टेस्ट क्रॉस रेशियो हमेशा आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट आर देयर। फिर से देख लो, अगर यहां पर पेरेंट कैपिटल टी था और मैंने होमोजाइगस रेशियो के साथ क्रॉस किया, टेस्ट क्रॉस में पहले पढ़ा चुका हूं, आप पढ़ लीजिए, तो यहां पर कैपिटल टी कैपिटल से एक ही प्रकार का गैमेट बना और इसीलिए एक ही प्रकार का इंडिविजुअल आया, टॉल से केवल टॉल आया। लेकिन यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी में दो प्रकार के गैमेट बने, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, इसलिए यहां पर दो प्रकार के इंडिविजुअल आए, एक टॉल और एक डॉर्फ, और किस रेशियो में आए, 1:1 में। तो टेस्ट क्रॉस रेशियो हमेशा आपको बताता है इनडायरेक्टली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट में बी देयर। ओके, इतना सब पढ़ लेने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं मेंडल के लॉस के आगे। तो मेंडल के लॉ में कुछ चीजें लिमिटेशंस थी, कुछ बेटा एक्सेप्शन थे। जैसे कि एक एक्सेप्शन बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है, इट इज नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने की कोशिश करिए, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस समझाने की कोशिश करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को पता लगाने के लिए उन्होंने एक पौधे का नाम लिया, नाम है एंटीराइनम। एंटीराइनम जैसा एंटीराइनम है वैसे एक पौधा और होता है, इसी एंटीराइनम को शायद स्नैप ड्रैगन के नाम से भी जानते हैं, आप लोग जानते हो स्नैप ड्रैगन। और इसी के तरीके से एक और पौधा होता है, इट इज नोन एज मिराबिलिस जलापा, ये दूसरा पौधा है और इसी को हम लोग बोलते हैं 4 o'clock प्लांट। ये दोनों प्लांट के नाम आप याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक एंटीराइनम स्नैप ड्रैगन, दूसरा मिराबिलिस जलापा और 4 o'clock। और इन पौधों में फ्लावर कलर के बारे में बात की गई, फ्लावर कलर। तो जब वो फ्लावर कलर की बात करते हैं तो देखते क्या है कि एक होमोजाइगस डोमिनेंट यानी कि प्योर ब्रीड रेड कलर का फ्लावर है, रेड कलर में पहले से बोल दूं, इट इज रेड कलर। तो यानी एक पेरेंट उन्होंने रेड कलर का प्लांट लिया और दूसरे तरीके का पेरेंट लिया उन्होंने व्हाइट, यानी एक का फ्लावर रेड कलर का है, दूसरा व्हाइट कलर का फ्लावर है। एक को मेल बनाया, दूसरे को फीमेल बनाया, यानी एक मेल प्लांट लिया, दूसरा फीमेल प्लांट लिया। अब रेड और व्हाइट की क्रॉस ब्रीडिंग कराई, अगर क्रॉस ब्रीडिंग कराने पर मेंडल का लॉ लागू होता है तो इन दोनों पेरेंट में से किसी एक पेरेंट का करेक्टर F1 में आना चाहिए। फिर से, इन दोनों पेरेंट में किसी एक पेरेंट का करेक्टर F1 में आना चाहिए, या तो रेड आना चाहिए या तो व्हाइट आना चाहिए। रेड आया तो रेड डोमिनेंट, व्हाइट आया तो व्हाइट डोमिनेंट। अब वो F1 में इन दोनों का क्रॉस करके एकदम आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि ना तो F1 में रेड आया, ना तो F1 में व्हाइट आया, बल्कि यहां पर आया पिंक। तो इस दुनिया में जितने ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को मानने वाले लोग थे, मिक्सिंग को मानने वाले लोग थे, वो उठ खड़े हुए कि मेंडल देखिए साहब, मेंडल बाबू, ये लाल था, ये सफेद था, दोनों मिक्स हो गया तो पिंक हो गया। अगर पिंक हो गया है तो ये F1 है। अब मेंडल साहब के सामने ये समस्या आ जाती, लेकिन मेंडल के मानने वाले उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, ये पेरेंट थे जिसमें प्योर रेड था और प्योर व्हाइट था, क्रॉस ब्रीड करके हम लोगों ने पिंक बनाया, चलिए पिंक की सेल्फिंग कर लेते हैं। पिंक की सेल्पिंग का मतलब है पिंक का क्रॉस पिंक के साथ कर दिया जाए। तो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को मानने वालों के लिए एक जवाब था कि अगर रेड में व्हाइट जोड़ा गया तो पिंक बना, तो पिंक में पिंक अगर बेटा क्रॉस किया जाए, पिंक के साथ पिंक का ही क्रॉस कर दिया जाए तो गाढ़ा पिंक मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों मिक्स हो गए। लेकिन हुआ क्या, पिंक की सेल्पिंग करने पर आश्चर्यचकित हुए, उन्हें रेड पौधे भी मिले, यानी रेड फ्लावर वाले पौधे भी मिले, पिंक फ्लावर वाले पौधे भी मिले और व्हाइट फ्लावर वाले भी पौधे मिले। तो लोगों ने कहा नहीं भैया,
अगर बेटा ब्लेंडिंग हुई होती तो पिंक से और गाढ़ा पिंक मिलता, लेकिन ये रेशियो में मिले 1:2:1। ये चीज किसी को समझ में नहीं आ रही थी कि ये क्या हुआ। जब इस चीज को डिफाइन किया गया जेनेटिक्स से, तो बोला गया अगर रेड को डिफाइन करने के लिए है कैपिटल आर कैपिटल आर, और अगर बेटा व्हाइट को डिफाइन करने के लिए है स्मॉल आर स्मॉल आर, लेट सपोज इट इज मेल, लेट सपोज इट इज अ फीमेल, तो यहां से बनेगा कैपिटल आर, यहां से बनेगा स्मॉल आर। मैं गैमेट के बारे में बता रहा हूं, कैपिटल आर और स्मॉल आर आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे। इस कंडीशन में कैपिटल आर रेड करना चाहता है, स्मॉल आर वाइट करना चाहता है, तो होना चाहिए था रेड, लेकिन कैपिटल आर पूरी तरीके से डोमिनेंसी शो नहीं कर पाया। अगर कैपिटल आर पूरी तरीके से डोमिनेंसी शो नहीं कर पाया तो उसने अपनी डोमिनेंसी इनकम्प्लीट तरीके से शो की, और इसीलिए जितने भी हाइब्रिड बंदे थे वो पिंक रह गए, ये रह गए पिंक। नाउ कैपिटल आर और कैपिटल आर को वापस से क्या कराया गया बेटा, सेल्फिंग कराई गई। मैं एक बार वीडियो देख लेता हूं, कैपिटल आर और स्मॉल आर को फिर से सेल्फिंग कराई गई, और जैसे ही कैपिटल आर स्मॉल आर को सेल्फिंग कराई गई तो एक बंदे ने कैपिटल आर स्मॉल आर बनाया, ये गैमीट, और दूसरे बंदे ने भी कैपिटल आर स्मॉल आर गैमीट बनाए। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया यहाँ पर, और स्मॉल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया, स्मॉल आर और स्मॉल आर यहाँ पर हो गया। अब देखिए ये रहा रेड, ये रहा वाइट, और ये दोनों कैसे रहे पिंक। रेशियो क्या आया, यस आप लोग देखिए रेशियो आया कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर, रेशियो 1:2:1। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जीनोटिपिक रेशियो है, जीनोटिपिक रेशियो इज कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, वही फिनोटिपिक रेशियो है रेड पिंक व्हाइट। जैसा दिखने में बेटा तीन प्रकार का 1:2:1 रेशियो में, उतना ही जीनोटाइप का भी प्रकार है। तो याद रखना इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशियो, ये याद रखिएगा भाई लोग, फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो दे आर सेम, फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो सेम होंगे जब भी हम लोग बात करेंगे किसकी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। तो आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आप देखेंगे जो जीनोटिपिक रेशियो दैट इज 1:2:1, वही फिनोटिपिक रेशियो दैट इज 1:2:1। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात थी। इसमें मेंडल को डिसप्रूव करने की कोशिश की गई। मेंडल कहते हैं दोनों पेरेंट में किसी एक का करेक्टर आएगा, लेकिन यहां पर दोनों पेरेंटर में किसी एक का करेक्टर नहीं आया बल्कि मिक्स करेक्टर आया। तो कई लोग कई बार ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को मानने वाले इनकम्प्लीट डोमिनेंस को बहुत बढ़ावा देते हैं, लेकिन जैसे ही सेल्फिंग की गई फिर पार्टिकल मैटर की तरह एक्सपोज हुआ 1:2:1 रेड पिंक व्हाइट 1:2:1। ये आया और बताया गया जितना जीनोटिपिक रेशियो है 1:2:1 का उतना ही फिनोटिपिक रेशियो है, इट इज 1:2:1 का। अगर आप लोग ये सब सीख पाए तो हम लोग दूसरा एक और एक्सेप्शन देखते हैं मेंडल का, और मेंडल का एक दूसरा एक्सेप्शन है जो मेंडल की बात को नहीं मानता है, एंड दैट इज नोन एज, यस इट इज नोन एज कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस को समझाने के पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप इस चीज को समझ के रखिए, हमारे पास एक सेल होती है जिसका नाम है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। हमारे ब्लड में एक रेड ब्लड सेल्स नाम की सेल होती है। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कुछ बेटा पॉलीसेक्राइड्स या प्रोटीन पॉलीसेक्राइड या फिर मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड के यहां पर कुछ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन, और यही एंटीजन ब्लड ग्रुप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ब्लड ग्रुप। जैसा एंटीजन होगा वैसा ब्लड ग्रुप होगा। फिर से सुन लो, आरबीसी फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बेटा कुछ एंटीजन पाए जाते हैं जो पॉलीसेक्राइड नेचर के होते हैं, पॉलीसेक्राइड नेचर के होते हैं, वही ब्लड ग्रुप बनाते हैं। अच्छा, इतना तो सब लोग जानते हैं कि हम लोग सेंट्रल डॉग्मा की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको पॉलीसेक्राइड के बारे में कुछ खास बात बताता हूं। पॉलीसेक्राइड एक प्रोडक्ट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। इस पॉलीसेक्राइड नाम के प्रोडक्ट को ही हम लोगों ने एंटीजन बनाया है और उसी को ब्लड ग्रुप बनाया है। ये प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबस्ट्रेट से एक रिएक्शन की गई होगी। क्या की गई होगी? रिएक्शन।
यानी सबस्ट्रेट का रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाया गया होगा और वही प्रोडक्ट पॉलीसेक्राइड है, वही एंटीजन है। इस रिएक्शन को करने के लिए जरूरत हुई होगी किसी एंजाइम की, और ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो बताओ इस एंजाइम को बनाने के लिए जरूरत होगी प्रोटीन की, मैं उल्टा चल रहा हूं, इस प्रोटीन को बनाने के लिए जरूरत हुई होगी एमआरएनए की, और एमआरएनए को बनाने के लिए जरूरत हुई होगी डीएनए की। ये बहुत नॉर्मल बात है कि डीएनए में पाई जाती हैं जीन। मेरे साथ बोलिएगा तो आपको अच्छा लगेगा, जैसा डीएनए वैसा एमआरएनए, जैसा एमआरएनए वैसी प्रोटीन, जैसी प्रोटीन वैसा एंजाइम, जैसा एंजाइम वैसी रिएक्शन, जैसी रिएक्शन वैसा प्रोडक्ट, और जैसा प्रोडक्ट वैसा फीनोटाइप। अगर आप ये नहीं भूलते तो काम बन जाएगा। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं, आप लोग समझिएगा, जैसा डीएनए मतलब जैसी जीन वैसा एमआरएनए, डीएनए से एमआरएनए बनता है, आपको मालूम है प्रोसेस का नाम ट्रांसक्रिप्शन। यस यू नो दैट द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, आप लोग इसे भूलिएगा मत। तो जैसा डीएनए वैसा एमआरएनए, जैसा एमआरएनए वैसी प्रोटीन, जैसी प्रोटीन वैसा एंजाइम, जैसा एंजाइम वैसी रिएक्शन, जैसी रिएक्शन वैसा प्रोडक्ट, जैसा प्रोडक्ट वैसा फिनोटाइप। अगर आप इतना जान गए तो काम बन जाने वाला है। याद रखना हमारी जीन का नाम है कैपिटल आई जीन। कैपिटल आई जीन अगर है याद रखना, तो ये कैपिटल आई जीन एक एमआरएनए बनाएगी, ये एमआरएनए एक प्रोटीन बनाएगी, प्रोटीन एक एंजाइम बनाएगी, एंजाइम से एक रिएक्शन होगा, रिएक्शन से एक प्रोडक्ट होगा, उस प्रोडक्ट का नाम पॉलीसेकेराइड होगा और वो ब्लड ग्रुप को मेंटेन करेगा। बट ये आई जो है कैपिटल आई तीन तरीके से बेटा बनती है, याद रखना। अगर कैपिटल आई ए है तो बेटा ए नाम का पॉलीसेकेराइड बनेगा, ए पॉलीसेकेराइड वहां पर बनेगा, और अगर ए पॉलीसेकेराइड वहां पर बनेगा तो आरबीसी में ए नाम का एंटीजन आएगा और इसे हम लोग बोलेंगे ब्लड ग्रुप ए। आसान है, आई जीन ही है लेकिन आई जीन का एक एलील है आई ए। आई ए अगर है तो ए पॉलीसेकेराइड यहां बनेगा, और ए पॉलीसेकेराइड अगर यहां बनेगा तो ब्लड ग्रुप ए होगा, सिंपल है। इसका दूसरा एलील है आई बी। अगर आई बी है तो वो बी नाम का पॉलीसेकेराइड बनाएगा, देखिए बी नाम का पॉलीसेकेराइड बन जाएगा, और अगर बी नाम का पॉलीसेकेराइड बनेगा तो वो ए नाम के पॉलीसेकेराइड से थोड़ा अलग होगा और ब्लड ग्रुप वहां पर बी बनेगा, सिंपल है। तीसरे तरीके की कंडीशन है, याद रखना, अगर आई ए और आई बी दोनों साथ में आ गए, आई ए और आई बी दोनों साथ में आ गए, तो याद रखना ए नाम का पॉलीसेकेराइड भी बनेगा, अब ध्यान सुनिएगा, और बी नाम का पॉलीसेकेराइड भी बनेगा। ऐसी आरबीसी में ए एंटीजन के साथ बी एंटीजन भी होगा। देखिए यहां पर मैंने केवल ए एंटीजन दिखाया, यहां पर बी एंटीजन दिखाया, यहां पर मैंने ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों दिखा दिए, और इस केस में बेटा ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों बनेंगे, ब्लड ग्रुप ए और बी, इसी को बोलेंगे ब्लड ग्रुप ए बी। पर थर्ड टाइप ऑफ कंडीशन यह है कि इनके पास रेसेसिव अलील है, और रेसेसिव चीज को हमेशा स्मॉल आई से दिखाते हैं। अगर स्मॉल आई से हमने दिखाया तो देयर विल बी नो एंटीजन, नो पॉलीसेकेराइड, कोई पॉलीसेकेराइड नहीं होगा, और अगर कोई पॉलीसेकेराइड नहीं होगा तो आरबीसी पॉलीसेकेराइड से खाली होगी, खाली मतलब जीरो होगी, जीरो, देयर इज नो पॉलीसेकेराइड, और अगर कोई पॉलीसेकेराइड नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप होगा नो। अब आप कहेंगे सर ब्लड ग्रुप नो नाम का तो हमने सुना नहीं, बस ब्लड ग्रुप नो को यहां पर जीरो बोला गया या फिर ओ बोला गया। ओ ब्लड ग्रुप का मतलब है जिस आरबीसी में कोई एंटीजन ना हो, समझ गए आप। चलिए बताइए, अगर आई ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए आएगा, आई बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी आएगा, ए और बी दोनों है तो बेटा ए और बी दोनों आएगा, और बेटा अगर स्मॉल आई है इसका मतलब कोई भी जीन ऐसा नहीं है कि एमआरएनए बने, प्रोटीन बने, एंजाइम बने, रिएक्शन और प्रोडक्ट बन नहीं रहा, प्रोडक्ट का नाम पॉलीसेकेराइड है नहीं, और अगर पॉलीसेकेराइड है नहीं तो एंटीजन है नहीं तो ब्लड ग्रुप है नहीं, ब्लड ग्रुप है नहीं तो जीरो ब्लड ग्रुप है, जीरो ब्लड ग्रुप का मतलब है ब्लड ग्रुप ओ है, और ओ ब्लड ग्रुप का आरबीसी वहां हो गया।
ये जो मैंने आपको पढ़ाया उसका बेस ये है, जैसा डीएनए, मेरे साथ बोलते जाइए अच्छा रहेगा, जैसा डीएनए वैसा एमआरएनए, जैसा एमआरएनए वैसी प्रोटीन, जैसी प्रोटीन वैसा एंजाइम, जैसा एंजाइम वैसी रिएक्शन, जैसा रिएक्शन वैसा प्रोडक्ट, और जैसा प्रोडक्ट वैसा फिनोटाइप। अगर आई ए नाम का बेटा जीन है तो ब्लड ग्रुप ए एज अ फिनोटाइप है, आई बी नाम का प्रोटीन है तो बेटा याद रखना ब्लड ग्रुप, सॉरी आई बी नाम का जीन है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, आई ए और आई बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और दोनों में से कोई नहीं है स्मॉल आई है तो यार ब्लड ग्रुप जीरो होगा, ओ होगा। अब मेंडल की तरह सोचते हैं, हमें एक ए ब्लड ग्रुप वाला बंदा चाहिए, ए ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप वाले बंदे की शादी हमने बी ब्लड ग्रुप वाले बंदे के साथ कर दी, बी ब्लड ग्रुप। और भाइयों और बहनों, हम सब लोगों ने देखा है कि अगर हमें पेरेंट बनाने हैं तो पेरेंट शुड बी प्योर लाइन। देखिए मेंडल की तरह सोचिए, पेरेंट प्योर लाइन होने चाहिए, प्योर लाइन होने चाहिए इसका मतलब उनके क्रोमोसोम में जो एलील यहां हो वही एलील यहां पर हो। बताओ आई ए ब्लड ग्रुप के लिए बनाने वाली कौन सी एलील होती है, आई ए, तो यहां पर भी कौन सी होनी चाहिए, आई ए। सो आई ए और आई ए हमें चाहिए, और यहां पर हमको जो चाहिए वो क्या चाहिए वो भी देख लीजिए, अगर बी ब्लड ग्रुप वाला बंदा है तो यहां पर आई बी चाहिए और यहां पर भी आई बी चाहिए। तो ये हुआ आई ए आई ए और ये हुआ आई बी आई बी। याद रखना मैं फिर से इन दोनों को लेकर आऊं, ब्लड ग्रुप ए वाला हमेशा रिप्रेजेंट करेगा आई ए को, क्योंकि दो क्रोमोजोम होंगे, ब्लड ग्रुप बी वाला हमेशा रिप्रेजेंट करेगा आई बी को, ये देखिए। और अब ये दोनों क्रॉस ब्रीडिंग करने जा रहे हैं F1 बनाने के लिए, अगर F1 बनाने के लिए क्रॉस ब्रीडिंग करने जा रहे हैं तो इधर से आएगा आई ए, यस, और इधर से आएगा आई बी। अब यहां आई ए और आई बी दोनों एक्सप्रेस हो जाएंगे, जबकि मेंडल कहते हैं कि दोनों पेरेंट में से किसी एक पेरेंट का करेक्टर एक्सप्रेस होना चाहिए, लेकिन यहां दोनों पेरेंट का करेक्टर एक्सप्रेस हो जाएगा, यहां से ब्लड ग्रुप ए आएगा और यहां से ब्लड ग्रुप बी आएगा। जरा सोच के देखिए, इस आरबीसी में ए एंटीजन था, इस आरबीसी में बी एंटीजन था, ए एंटीजन इसके पास था, बी एंटीजन इसके पास था, और जो बच्चा आया उसके पास ए एंटीजन भी आया बी एंटीजन भी आया, यानी वो ए और बी दोनों को दोनों एंटीजन के साथ है, और इस तरीके से एफ वन में दोनों पेरेंट का करेक्टर आ गया, और दोनों पेरेंट का करेक्टर आ गया यानी दोनों एलील आपस में डोमिनेंस हो गए, और दोनों एलील अगर डोमिनेंट हो गए तो इसे बोलते हैं को डोमिनेंस। याद रखना इसीलिए इसे बोला गया को डोमिनेंस, आई ए भी एक्सप्रेस हो गया आई बी भी एक्सप्रेस हो गया। अब आपको इनके पर्टिकुलर जीनोटाइप मालूम होने चाहिए, ये कोडोमिनेंस है, मैं जल्दबाजी में नहीं हूं लेकिन बेटा आपको जल्दी करना पड़ेगा। अगर आपको ये सब चीजें सीखनी है तो आपको देखना पड़ेगा, अगर आई ए है तो आप बताइए कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए। अगर आई ए स्मॉल आई है तब भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। ये चीजें समझने वाली है। अगर आई बी ब्लड ग्रुप बेटा एलील है तो इसका ब्लड ग्रुप होगा बी। अब आप कहेंगे बी क्यों, क्योंकि आई कोई एंटीजन नहीं है, आई आई कोई ऐसा एलील नहीं है कि वहां पे कोई एंटीजन बने, इसका मतलब ये एक्सप्रेस नहीं होगा, केवल ए एक्सप्रेस होगा, स्मॉल आई एक्सप्रेस नहीं होगा। आई बी से आएगा कैपिटल बी, और आई बी स्मॉल आई से भी आएगा कैपिटल बी, यानी बी एंटीजन आएगा। इसके बाद आई ए आई बी से जो एंटीजन आएगा वो होगा ए बी, आपको याद रखना पड़ेगा, और स्मॉल आई से जो एंटीजन आएगा वो कौन सा आएगा, ओ। ओ मतलब नो, नो मतलब जीरो। बोलते हैं कितने एंटीजन बन सकते हैं, सॉरी कितने प्रकार का फीनोटाइप आ सकता है, बोलते हैं फीनोटाइप का जो नंबर है, फीनोटाइप्स का जो नंबर है, इट विल डिपेंड अपॉन एन बाई टू इंटू एन प्लस वन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ एलील्स। एलील का नंबर होना चाहिए कितना, बताइए यहां पर कितने एलील हैं, तीन, एक है आई ए, एक है आई बी, एक है स्मॉल आई। तो देखिए हम लोग फिनोटाइप का पता लगाने जा रहे हैं, तो यहां पर हम लोग तीन रखेंगे, तीन बटा दो गुड़े तीन प्लस एक, तीन और एक चार, देखिए थ्री बाई टू इंटू फोर, टू टू जा फोर और थ्री टू जा सिक्स, छह
जीनोटाइप आने चाहिए, सॉरी यहां पर आप लोग जीनोटाइप लिखिए, नंबर ऑफ जीनोटाइप पता लगाने का फॉर्मूला है n/2+n+1, 6 जीनोटाइप आने चाहिए। पहला जीनोटाइप IA, दूसरा IA small i, IB small i, ये 4 हो गए, IA, IB 5 हो गया, और small i, इट इज 6। तो 6 जीनोटाइप आए बाय द फॉर्मूला n/2 × n+1, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलील। याद रखना, इसलिए ब्लड ग्रुप दो चीजों का एग्जांपल है, ब्लड ग्रुप इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म, मल्टीपल एलिलिज्म, क्योंकि यहां पर 3 एलील से बेटा ब्लड ग्रुप डिफाइन किया जा रहा, उसमें से ब्लड ग्रुप ए बी, केवल ब्लड ग्रुप ए बी वाला जो ब्लड ग्रुप है, इट इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। एंड थैंक यू वेरी मच, अगर आप इतना सीख लेते हैं तो दो बड़े टॉपिक आप लोग समझ पाते हैं कि ब्लड ग्रुप ए बी का एग्जांपल कौन है और ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टी एलिलिज्म का मतलब जब दो से ज्यादा एलील किसी भी करेक्टर को शो करती हूँ, इस कंडीशन को मल्टीपल एलिलिज्म बोलते हैं। यहाँ पर 3 एलिल है, IA, IB, small i, और ब्लड ग्रुप ए बी इसमें से जो है वो बेटा कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। सो दिस वाज द रिलेटेड विद सिंगल जीन, एक जीन से रिलेटेड जितनी कहानी थी वो बता दिया गया, और कल आपको बताया गया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। सो कल हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बता दिया था, और आज वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस बताते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस से कुछ और बातें हैं, जैसे कि नंबर ऑफ गैमेट्स पता करना है तो क्या फार्मूला लगेगा नंबर ऑफ गैमेट्स के लिए, यस 2^n, ये फार्मूला बहुत पुराना है, हर बच्चे को ऑलमोस्ट आता है। जैसे यहां पर कैपिटल टी है, वेयर एन इज हेट्रोजाइगस कंडीशन, एन हेट्रोजाइगस कंडीशन को शो करता है, आप ध्यान सुनिए, एन इज हेट्रोजाइगस कंडीशन, और यहां पर कैपिटल टी कोई बंदा है तो कितने गैमेट बनाएगा, तो आप लिखेंगे 2^n, और एन में हेट्रोजाइगस कंडीशन लेंगे, कैपिटल टी में हेट्रोजाइगस कोई भी नहीं है, तो 2^0, एनी 2^anything इट इज 1, इसका मतलब ये एक प्रकार का गैमेट बनाएगा। नाउ कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर हेट्रोजाइगस कंडीशन कितनी है, एक बार, तो 2^1 कितने गैमेट बनेंगे, 2, एक बार हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो कितने गैमेट बनेंगे, 2, एक बनेगा कैपिटल टी, एक बनेगा स्मॉल टी। इस तरीके के छोटे छोटे फॉर्मूले जेनेटिक्स में जगह जगह मिलते हैं जो आपको याद रखने होंगे और उनसे काम चलता रहेगा। इस तरीके से मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपके लिए समाप्त होता है। नाउ मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बाद हमारे पास दूसरे क्रॉस है, और दीज आर नोन एज डाई हाइब्रिड क्रॉस, इन्हें हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बोलते हैं। वेन देयर आर टू करेक्टर विच आर एसेस्ड, जो एक समय में दो करेक्टर को एसेस करे, ऐसे क्रॉस का बोलते हैं हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस। वेन टू करेक्टर आर टेकन इन वन टाइम फॉर कंसिडरेशन, दो करेक्टर को एक समय पर हमने कंसिडरेशन के लिए लिया, तो हम लोग इस तरीके से बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। वैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस को पढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, टीचर्स भी वो बहुत सारे तरीके यूज करते हैं, मैं भी एक तरीका यूज करता हूँ, आप वो जानने की कोशिश करिए। मान लीजिए हम लोग शीड शेप का एक करेक्टर लेते हैं, शीड शेप, पहले आप देख लें, सीड शेप में दो वैरायटी आती हैं, या तो सीड राउंड होता है और या तो सीड रिंकल्ड होता है। सो देयर आर टू वैरायटी ऑफ सीड्स, आइदर सीड इज राउंड और इट इज रिंकल्ड। हमने एक को बनाया मेल पेरेंट और एक को बनाया फीमेल पेरेंट, और पेरेंट लाइन क्रिएट की जैसे हमेशा करते आए हैं। नाउ राउंड और रिंकल का क्रॉस किया, अब बताइए अगर मेंडल सही है तो बताइए दोनों करेक्टर F1 में आए, कोई एक आएगा, यस यहां पर राउंड नाम का करेक्टर आया, इसका मतलब राउंड इज डोमिनेंट एंड रिंकल्ड इज रिसेसिव। नाउ राउंड की सेल्फिंग कर दी, और जैसे ही हमने राउंड की सेल्फिंग की तो याद रखना ये था F1, और सेल्फिंग करने के बाद, यस सेल्फिंग करने के बाद हमें मिला F2, और उस समय पर राउंड और रिंकल दोनों मिलने चाहिए, मिले भी, राउंड और रिंकल्ड मिले 3:1 की रेशियो।
ओके। अब इस सीड को हम लोग कलर के साथ देखते हैं, तो हमारे पास दूसरा करेक्टर है सीड कलर, और सीड कलर पर हमने देखा कि दो प्रकार के सीड कलर है, एक है येलो और दूसरा सीड कलर है ग्रीन, और येलो कलर और ग्रीन कलर वाले बंदों को आपस में क्रॉस कराया गया। जैसे ही क्रॉस कराया गया, दोनों करेक्टर में से कोई एक करेक्टर आएगा, यस यहां पर येलो करेक्टर आया, येलो करेक्टर आया, यानी दोनों में से किसी एक बेटा पेरेंट का करेक्टर आया, और जैसे बेटा येलो आया हमने इसकी सेल्फिंग कर दी, सेल्फिंग करते ही हमें यहां पर मिला येलो एंड ग्रीन, और किस रेशियो में मिला, 3:1 की रेशियो में गया। मैं आपको बताता चलूं कि ये भी मोनो हाइब्रिड है और ये भी मोनो हाइब्रिड है, इसमें कोई भी डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं है। मैं जरा आपका वीडियो चेक कर लेता हूं, इसमें से कोई भी डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं है। ये एक करेक्टर के लिए लिया गया सीड से, और ये एक लिया गया सीड कलर। बट अगर मैं इन दोनों करेक्टर को एक साथ डिस्कस करने की कोशिश करूं, अगर मैं इन दोनों करेक्टर को एक साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, तब मेरे साथ क्या चमत्कार होगा। देखिए, अगर मैं एक ऐसा सीड लूं जो राउंड है और साथ में येलो है, कैसा है, राउंड और येलो, तो लेकर के देखिए मैं यहां बनाता हूं। एक मैंने करेक्टर लिया राउंड येलो, इसका मतलब मैं ऐसे सीड की कल्पना कर रहा हूं जो सीड राउंड है देखने में और कलर में है येलो, उसका शेप है राउंड और कलर है उसका येलो। दूसरा सीड मैं ऐसा लेके चल रहा हूं, ऐसा प्लांट लेके चल रहा हूं जो है रिंकल्ड ग्रीन, यानी वो रिंकल्ड है और साथ में ग्रीन है। तो आप समझ लीजिए, राउंड होना डोमिनेंट है यहां पर और येलो होना डोमिनेंट यहां पर है, तो राउंड येलो एक डोमिनेंट करेक्टर लिया। नाउ रिंकल्ड होना डोमिनेंट, सॉरी रेसेसिव है यहां पर, और ग्रीन होना रेसेसिव है यहां पर, सो मैंने रिंकल्ड और ग्रीन लिया। अब मैं एक साथ कितने करेक्टर देख रहा हूं, दो, एक तो सीड शेप, दूसरा सीड कलर, सीड शेप सीड कलर। अब जब दो करेक्टर एक साथ ले रहा हूं, तो अब मैं इसे मिटाता चलूं, इतना तो तुम देख ही चुके हो। अब जैसे मैं इसे मिटाऊंगा तो मुझे मालूम है इन दोनों में से राउंड और रिंकल में केवल एक ही आएगा, सर राउंड आया, क्यों, क्योंकि राउंड और रिंकल्ड आपस में एक करेक्टर है, ये शेप है और ये भी शेप है, तो राउंड और रिंकल्ड एक साथ नहीं आएंगे, इनमें से कोई एक आएगा, तो राउंड और रिंकल में राउंड आया, और येलो और ग्रीन में कोई एक आएगा, येलो और ग्रीन में एक आया, राउंड येलो आया। और देखिए उस बात से भी हम लोग तवज्जो रखते हैं कि F1 में किसी एक ही पेरेंट का करेक्टर आया, सिंगल पेरेंट का करेक्टर आया, राउंड येलो वाले करेक्टर आया। अच्छा, अब जैसे राउंड येलो की हम लोगों ने सेल्फिंग की, तो सब लोग को लगता है सेल्फिंग में क्या होगा, सर जी सेल्फिंग में रेशियो 3:1 का आना चाहिए। देखिए अगर आप बुद्धिमान हैं तो आपको मालूम है यहां पर क्या क्या बनने वाला है। यस, राउंड और रिंकल 3:1 है, येलो और ग्रीन भी 3:1 है। अगर आपको इनके प्रोडक्ट मालूम करने हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे राउंड येलो के साथ मल्टीप्लाई होगा, लिखिए राउंड येलो के साथ मल्टीप्लाई होगा, जैसे राउंड येलो के साथ मल्टीप्लाई होगा 3:3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 3 × 3 इट इज 9, ये 9 आएगा। ओके, नाउ राउंड बेटा राउंड ग्रीन के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, नाउ राउंड ये 3 है और ग्रीन एक 1 है, तो दूसरा मेंबर आएगा राउंड ग्रीन, और राउंड ग्रीन जो बेटा मेंबर आएगा वो कितना आएगा, 3 × 1 दैट इज 3, दिख रहा है आपको, यस, अगर दिख रहा है तो ठीक है। नाउ अब रिंकल्ड को उठा लीजिए, रिंकल्ड येलो, ये तीसरा कंडीशन आएगी रिंकल्ड येलो, और आपको मालूम है रिंकल्ड येलो में रिंकल्ड कितना है 1 और येलो कितना है 3, 1 × 3 इट इज 3, एंड नाउ द लास्ट वन इज रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन, तो भाई रिंकल एंड ग्रीन में इधर से वन ये आएगा 1, और आपको सामने रेशियो आएगा 9:3:3:1, 9:3:3:1। ये जो रेशियो है इसे बोलते हैं कोलोबरेटिव रेशियो, याद रखिएगा इसे कभी मत भूलिएगा। F2 में जो हमारा कोलोबरेटिव रेशियो आया, कोलैबोरेशन की वजह से जो रेशियो आया, इट इज 9:3:3:1।
लेकिन लोग कहते हैं सर F1 में तो सॉरी F2 में तो सर 3:1 का रेशियो आना चाहिए। मैंने कहा कोई भी एक करेक्टर ले लो, कोई भी एक करेक्टर ले लो, सेप ले लो, चलो सेप लो, राउंड 9, राउंड 3, 9 और 3 12, रिंकल यहां नहीं है, यहां नहीं है, रिंकल 3, रिंकल 1, 3 और 1 4, 12:4, 12:4, 8:3:1, नथिंग 3:1। किसी ने कहा नहीं सर मुझे कलर दिखाओ, चलो कलर देख लो, येलो 9, और कहीं पर येलो, यस 3, यहां पर येलो, येलो 9 और 3 12, चलिए ग्रीन ले लीजिए, ये ग्रीन 3 और ये ग्रीन 1 4, 12:4, और अगर इसे भी करेंगे तो ये भी 3:1 है, यानी मेंडल की बात यहां पर भी लागू होती है और रेशियो आता है 9:3:3:1। लेकिन यहां पर एक बड़ी खास बात आती है कि जो F2 का कोलैबोरेटिव रेशियो है वो देखने में क्या है, राउंड येलो 9 है जो एक पेरेंट जैसे हैं, रिंकल्ड ग्रीन 1 है जो दूसरे पेरेंट जैसे हैं। देख लो एक पेरेंट जैसे 9 है राउंड येलो, एक पेरेंट मैंने लिया था राउंड येलो भूलिएगा मत, दूसरा पेरेंट मैंने लिया था रिंकल्ड ग्रीन, तो एक पेरेंट जैसे 9 लोग आए, दूसरे पेरेंट जैसे अकेला एक मेंबर आया, तो फिर ये लोग कौन है, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो। इसका मतलब राउंड के साथ येलो रहा करता था, अब राउंड के साथ ग्रीन रहता है, याद रखना रिंकल्ड के साथ ग्रीन रहा करता था, अब रिंकल्ड के साथ येलो रहता है। दीज आर नोन एज रिकॉम्बिनेंट, ये नए रिकॉम्बिनेंट बने, इसीलिए बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट और पेरेंटल। सो दिस करेक्टर इज नोन एज पेरेंटल, पेरेंटल, दिस इज ऑल्सो नोन एज पेरेंटल, ये भी पेरेंटल है और ये वाले रिकॉम्बिनेंट है। तो 9 इज पेरेंटल, 3 इज रिकॉम्बिनेंट, दिस इज 3, दिस 3 इज रिकॉम्बिनेंट, दिस 1 इज पेरेंटल। तो रेशियो आया 9:3:3:1 एंड दिस इज द डाई हाइब्रिड फीनोटिपिक रेशियो, ये डाई हाइब्रिड का फीनोटिपिक रेशियो है। अब इस डाइहाइब्रिड के फीनोटिपिक रेशियो को समझाने के लिए मेंडल अपना तीसरा लॉ सिखाते हैं, एंड दैट थर्ड लॉ इज नोन एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चलिए हम लोग दो लॉ पढ़ चुके हैं और आज तीसरा लॉ पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझने के लिए आपको डिटेल में बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो मैं पढ़ाऊं वो समझ में आ जाए। चलिए अभी अभी हम लोगों ने एक करेक्टर लिया राउंड येलो, प्लीज इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, लिंकेज नहीं तो कभी समझ में नहीं आने वाला, राउंड येलो मेरे बच्चे इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं तो कभी भी समझ में नहीं आएगा, राउंड येलो। और दूसरा मैंने लिया था रिंकल्ड ग्रीन। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको अगर समझ में आता तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, ये फीमेल था और ये मेल था। नाउ अब राउंड येलो को समझने के लिए कोशिश करिए कि यहां पर दो सेट ऑफ क्रोमोजोम तुमने देखे, एक सेट ऑफ क्रोमोजोम ये है और दूसरा सेट ऑफ क्रोमोजोम ये है। चलिए प्लीज इसे समझने की कोशिश करिए, मैं बार बार ऐसा डायग्राम बनाऊंगा आपको ठीक नहीं लगेगा, तो मैं सिंपल ऐसा एक डायग्राम बना रहा हूं, चलिए केवल एक डायग्राम बना, समझ में आया। ये रहा राउंड येलो, राउंड येलो के लिए मान लीजिए यहां पर कैपिटल आर है तो यहां पर भी कैपिटल आर रहेगा, ये भी राउंड को बेटा दर्शा रहा है, ये भी राउंड को दर्शा रहा। दूसरा मैं एक बेटा क्रोमोजोम लेता हूं, ये दूसरा क्रोमोजोम है, और उस क्रोमोजोम में, इस क्रोमोजोम में बेटा शेप की जीन थी तो इस क्रोमोजोम में कलर की जीन है, मान लीजिए ये कैपिटल वाई है तो यहां पर भी कैपिटल वाई है। आप कहोगे सर आपको कैसे मालूम यहां कैपिटल वाई तो यहां पर भी कैपिटल वाई, यहां पर कैपिटल आर तो कैपिटल आर, क्योंकि ये पेरेंट है और पेरेंट हमेशा होमोजाइगस होते हैं, मैंने बोला था, तो इनकी प्रोजनी लिखी जाएगी कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इस तरीके से तो आपने बहुत बार लिखा हुआ देखा है, पर मैं चाहता हूं इसको इस तरीके से फील करिए, यहां पर शेप का, यहां पर शेप का, दोनों शेप के एक जैसे कैपिटल आर कैपिटल आर, यहां पर बेटा कलर का, यहां पर कलर का, दोनों जगह कैपिटल वाई कैपिटल वाई।
आई एम सॉरी, थोड़ी देर के लिए बेटा लॉगस क्रोमोसोम है। सॉरी, आई एम वेरी मच सॉरी, अभी आ रहा है। ओके ओके, सो मान लीजिए यहां पर बेटा ग्रीन कलर का, सॉरी यहां पर कैपिटल आर था, तो यहां पर बेटा रिंकल्ड का है, स्मॉल आर, स्मॉल आर है, और दूसरा क्रोमोसोम का जो सेट है बेटा वहां पर है स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इट इज स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। सो इट इज अ कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। मैं इस तरीके से लिखना चाहता ही नहीं हूं, पर मैं इस तरीके से जानता हूं, इधर कैपिटल आर तो इधर कैपिटल आर, इधर कैपिटल वाई तो इधर कैपिटल वाई, इधर स्मॉल आर तो इधर स्मॉल आर, इधर स्मॉल वाई तो इधर स्मॉल वाई। जब आप इस तरीके से देख लेते हैं तो आप मान लेते हैं ये एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल में कई पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और ये दूसरा इंडिविजुअल है और इसमें भी कई पेयर ऑफ जीन बेटा क्रोमोसोम है। पर याद रखना हर एक जीन एक ही क्रोमोसोम में नहीं है, अलग अलग है। ये वाला जीन है बेटा शेप का और ये वाला है कलर का, दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पेयर में है, दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पेयर में। टाइम लगेगा नो डाउट, पर समझिए। अब मैं इनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराना चाहता हूं। क्रॉस ब्रीडिंग कराते वक्त मैं क्या कर रहा हूं, क्रॉस ब्रीडिंग कराते वक्त इनसे गैमीट बनवाऊं, और गैमीट बनाना सबसे मुश्किल होता है। गैमीट बनाते वक्त होगी मियोसिस, और मियोसिस होते वक्त ये क्रोमोसोम पेयर सेपरेट होगा तो ये भी क्रोमोसोम पेयर सेपरेट होगा। देखिए सेपरेट होने के बाद कैपिटल आर में कोई भी आए कैपिटल आर लेकर के ही आएगा, कैपिटल वाई में कोई भी आए कैपिटल वाई लेकर के ही आएगा, तो गैमीट होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। इधर वाला गैमीट भी वही होगा, प्लीज थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए वरना मुश्किल आएगा। इधर भी कैपिटल आर और इधर भी कैपिटल वाई, गैमीट विल बी सेम, कैपिटल आर कैपिटल आर। अगर कैपिटल आर इधर आया तो दूसरा कैपिटल आर इधर गया, इधर कैपिटल वाई आया तो दूसरा कैपिटल वाई इधर आया। इस तरीके से कैपिटल आर कैपिटल वाई एक गैमीट बना, कैपिटल आर कैपिटल वाई दूसरा गैमीट बना। ओके नाउ लाइकवाइज ये दोनों अलग हो और ये दोनों अलग हो तो एक साथ क्या आएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई, एक में आएगा स्मॉल आर तो दूसरे में आएगा स्मॉल वाई। ठीक इसी तरीके से दूसरे में भी आएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। इट इज अ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, याद रखना। ये है अगर मेल गैमीट तो ये है फीमेल गैमीट, सारे मेल गैमीट एक जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई, सारे फीमेल गैमीट एक जैसे स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब क्या होगा, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा, कोई गैमीट किसी से भी फ्यूज करा दो। जैसे तुम कोई भी गैमीट किसी से फ्यूज कराओगे, लेट सपोज ये दोनों गैमीट फ्यूज होने जा रहे हैं, जैसे ही फ्यूज करने गए इधर से आया कैपिटल आर, माय डियर स्टूडेंट इधर से आया कैपिटल आर, तो इधर से आया स्मॉल आर, इधर से आया कैपिटल वाई तो इधर से आया स्मॉल वाई। याद रखना यहां पर जो लोग आए वो इस तरीके से आए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आप कहोगे सर हमें बहुत आता है, पकाइए मत, आप परेशान मत होइए, आप मेरे हमें सब कुछ आता है, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर क्रोमोसोम की तरह आपको देखना नहीं आता तो आपके लिए बेकार है। एंड दिस इज अ एफ वन, कैपिटल आर चाहेगा कि वो राउंड करे, स्मॉल आर कहेगा कि रिंकल्ड करे, लेकिन बेटा कैपिटल आर की मानी जाएगी तो ये बंदे होंगे राउंड, और कैपिटल वाई मानेगा येलो और स्मॉल वाई मानेगा ग्रीन, लेकिन बेटा कैपिटल वाई की मानी जाएगी ये होगा राउंड येलो। यानी एफ वन में सारे के सारे बंदे एक पेरेंट से मिलेंगे राउंड येलो वाले जैसे से मिलेंगे। मेरे पास जगह नहीं है, अब मैं इसकी सेल्फिंग कराने जा रहा हूं, लेकिन किसकी सेल्फिंग कराने जा रहा हूं, F1 की। और F1 कैसा दिखता है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगर आप इसे सीखते हैं तो आप मुश्किल में नहीं जाएंगे। आप कहेंगे सर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा रहे हैं और ये सब कहां की बातें कर रहे हैं, बस एक मिनट और धैर्य रखिए आपको समझ में आएगा। लेट सपोज F1 के मेंबर आपके सामने मिले, F1 के मेंबर के पास क्या क्या आया, एक के पास आया कैपिटल आर तो उसके सामने आया स्मॉल आर, एक के सामने आया कैपिटल वाई तो उसके सामने आया स्मॉल वाई। ये एक मेल मान लीजिए, इसी तरीके से एक दूसरा मेल फीमेल मान लीजिए, लेट सपोज दिस, यहां से आया तो आया बेटा कैपिटल आर तो यहां पर आया स्मॉल आर, यहां पर आया कैपिटल वाई तो यहां पर आया स्मॉल वाई। ओके
में भी आप लोग थोड़ा बोर हो रहे हो, लेकिन बहुत समझने की कोशिश करिए। अब मैं ये F1 के बंदों की सेल्फिंग कर रहा हूं, सेल्फिंग मतलब इन्हें आपस में क्रॉस करा रहा हूं, और जब इन्हें आपस में क्रॉस कराऊंगा तो ये गैमीट बनाएंगे। बताइए कैपिटल R स्मॉल R एक साथ जाएंगे कि अलग अलग होंगे? तो आप कहेंगे अलग अलग होंगे। मान लीजिए इस तरफ आया कैपिटल R, प्लीज ध्यान से देखिए, अगर इस पेयर में कैपिटल R इस तरफ आया तो दूसरी तरफ हर हालत में स्मॉल R जाएगा। ये पेयर अलग हुआ, कैपिटल R इधर आया तो स्मॉल R इधर गया। प्लीज ध्यान से समझिए, बहुत मुश्किल है ना। अब इन दोनों पेयर में पता नहीं कौन सा पेयर कैपिटल R के साथ चला जाए। मान लीजिए कैपिटल Y अगर इधर आ गया तो इधर चला जाएगा स्मॉल Y। सीरियस, इन दोनों में कैपिटल Y अगर इधर आ गया तो इधर चला जाएगा स्मॉल Y। लेकिन ये कोई फिक्स बात नहीं है। फिक्स बात क्यों नहीं है? क्योंकि कैपिटल R के साथ कैपिटल Y भी आ सकता है और कैपिटल R के साथ स्मॉल Y भी आ सकता है। जरा इसे देखने की कोशिश करिए। लेट सपोज इधर से आया कैपिटल R, इधर से आया कैपिटल R, लेकिन इधर से आया स्मॉल Y। उसी समय पर अगर स्मॉल Y इधर आ रहा होगा तो कैपिटल Y इधर जा रहा होगा। तो आपको मालूम है अगर इन दोनों में इधर से आया कैपिटल R तो हर हालत में इधर से आया होगा स्मॉल R, और अगर कैपिटल R इधर आ गया, स्मॉल R इधर आ गया और स्मॉल Y इधर आ गया तो कैपिटल Y इधर चला जाएगा, लाइक दिस। तो आप देख क्या रहे, कैपिटल R के साथ कैपिटल Y भी आ सकता है, कैपिटल R के साथ कैपिटल Y भी आ सकता है, कैपिटल R के साथ स्मॉल Y भी आ सकता है, स्मॉल R के साथ स्मॉल Y भी आ सकता है, स्मॉल R के साथ कैपिटल Y भी आ सकता है। कोई भी एलील किसी भी दूसरे एलील के साथ जाने के लिए इंडिपेंडेंट है। यानी इस पेयर का कोई भी एलील इस पेयर के किसी भी एलील के साथ जाने के लिए इंडिपेंडेंट है, फ्री है, और इसी इंडिपेंडेंट को बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये एक पेयर का सेग्रीगेशन है कैपिटल R स्मॉल R का, ये दूसरे पेयर का सेग्रीगेशन है कैपिटल Y स्मॉल Y का। लेकिन जब कैपिटल R के साथ कैपिटल Y आ सकता है तो कैपिटल R के साथ स्मॉल Y भी आ सकता है, स्मॉल R के साथ इस कैपिटल Y भी आ सकता है, स्मॉल R के साथ स्मॉल Y भी आ सकता है। तो व्हाट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ एलील। द रूल इज सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ एलील इज इंडिपेंडेंट टू सेग्रीगेशन ऑफ अनदर पेयर ऑफ एलील। ये अनदर पेयर ऑफ एलील के सेग्रीगेशन पे इंडिपेंडेंट है। इन दोनों का टूटना इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता, ये भी इंडिपेंडेंटली टूटेगा और ये भी इंडिपेंडेंट टूटेगा। और इस कंडीशन में क्या होगा, प्लीज देखिए, देखिए ये बनेगा 25%, ये बनेगा 25%, ये बनेगा 25%, ये बनेगा 25%। और अगर आप भूले नहीं है तो ऊपर वाले दोनों कैपिटल R कैपिटल Y और स्मॉल R स्मॉल Y, दे आर द पेरेंटल टाइप्स ऑफ गैमीट। इन्हें हम लोग बोलते हैं पेरेंटल टाइप्स ऑफ गैमीट। और कैपिटल R के साथ स्मॉल Y आना और स्मॉल Y के साथ कैपिटल Y आना, दे आर नोन एज रिकॉम्बिनेंट गैमीट। मुझे नहीं मालूम कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि मैं आप लोग को देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि कैपिटल R के साथ कैपिटल Y आना ये पेरेंटल टाइप है, स्मॉल R के साथ स्मॉल Y आना ये पेरेंटल टाइप है, लेकिन कैपिटल R के साथ स्मॉल Y आना ये रिकॉम्बिनेंट है और स्मॉल R के साथ स्मॉल Y आना ये भी रिकॉम्बिनेंट है। तो आप देखते हैं जब भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, व्हेनेवर देयर इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जब भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा 50% गैमीट्स जो होंगे वो पेरेंटल होंगे, पी फॉर पेरेंटल, और 50% जो गैमीट्स होंगे वो रिकॉम्बिनेंट होंगे। इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट मैक्सिमम 50% ही हो सकता है, और वो तभी होगा जब
इनडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो, क्या हो? इनडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. व्हाट इज इनडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? इस पेयर एलिल का अलग होना इस पेयर ऑफ एलिल के अलग होने पे डिपेंड नहीं करता. यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, और सबके जाने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है. देखिए इसे हम लोग एक छोटी सी गणित से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैथ से भी सॉल्व कर सकते हैं. कैसे? आइए इसे सॉल्व करते हैं छोटे से मैथ से. अगर आपको मैथ समझ में आ गई तो आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाएंगे. सुनिए, अब आप बताइए, इधर है कैपिटल आर, इधर है स्मॉल आर, इधर है कैपिटल वाई, इधर है स्मॉल वाई. बताइए कैपिटल आर स्मॉल आर में कैपिटल आर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाफ. स्मॉल आर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाफ. कैपिटल वाई आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाफ. हाफ मतलब 50%. स्मॉल वाई आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाफ, दैट इज 50%. यानी अगर मैं गैमीट बनाऊं कैपिटल आर स्मॉल आर का, तो 50% कैपिटल आर होंगे, 50% स्मॉल आर होंगे. अगर मैं बनाऊं कैपिटल वाई स्मॉल वाई का, तो 50% कैपिटल वाई होंगे, 50% स्मॉल वाई होंगे. ओके, अब देखिए कैपिटल आर आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, स्मॉल आर आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, लेकिन इन दोनों के साथ में आने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होंगी. मान लीजिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई साथ आने की कोशिश करें तो ये हाफ गुणे हाफ कर जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 1/4. तभी किसी ने कहा नहीं सर मुझे तो कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई चाहिए, तो मैंने कहा ले लो कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई. ये रहा हाफ, स्मॉल वाई के आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ, दैट इज 1/4 अगेन. किसी ने कहा नहीं सर मुझे सही है सर स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, हमने कहा ले लो भाई स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, स्मॉल आर की प्रोबेबिलिटी है हाफ, कैपिटल वाई की प्रोबेबिलिटी है हाफ, हाफ इंटू हाफ इट इज 1/4. ओके, किसी ने कहा नहीं सर मुझे सर स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई चाहिए, मैंने कहा ले लो स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई, हाफ इंटू हाफ दैट इज 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, इट इज 25%, इट इज 25%, इट इज 25%, इट इज 25%. और जब भी ये प्रोबेबिलिटी 25%, 25%, 25% आएगी तो याद रखना ये पैरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये पैरेंटल कॉम्बिनेशन है, मैं लिख दे रहा हूं ये पैरेंटल कॉम्बिनेशन, ये पैरेंटल कॉम्बिनेशन, और ये रिकॉम्बिनेंट है और ये भी रिकॉम्बिनेंट है, और ये है गैमीट्स, दीज ऑल आर द गैमीट्स, और ये गैमीट्स दोनों लोग बनाएंगे, मेल भी और फीमेल भी. और जब ये मेल और फीमेल गैमीट बनाएंगे तब क्या बात होगी, जरा उसे देखने की कोशिश करिए. अब उसे केवल पुनेट स्क्वायर से ही देखा जा सकता है, आप लोग ध्यान से देखेंगे पुनेट स्क्वायर आपके सामने है, आप इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा, अगर समझ गए तो ठीक, नहीं तो मुश्किल तो पहले से ही थी. एक गैमीट है कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक है कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक है स्मॉल आर कैपिटल वाई, एक है स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसका परसेंटेज भी 25, इसका परसेंटेज भी 25, इसका परसेंटेज भी 25, इसका परसेंटेज भी 25. अगर मेल ऐसा गैमीट बना रहा तो फीमेल भी ऐसा ही गैमीट बनाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल by small or small by, इसका percentage भी 25, इसका percentage भी 25, इसका percentage भी 25, इसका percentage भी 25. अब ये जोड़िए capital R capital R capital Y capital Y, ये दोनों capital R capital R capital Y small Y, it is capital R small R capital Y capital Y, ये capital Y capital Y. now आप करके देखिए capital R small R capital Y small Y, वैसे मैं कर रहा हूं, करना नहीं चाहिए, time waste होता, लेकिन फिर भी करिए. कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ओके, नाउ द कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, नाउ द कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एंड नाउ कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, नाउ दिस कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, नाउ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, नाउ स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, नाउ द स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. And again, last one, capital R, small r, capital Y, small y. आगे आइए capital R, small y, small y. आगे आइए it is small r, small y, capital Y, क्योंकि वहां पर capital है, small r, small y, small y. It is
वन, ये एक पेरेंटल है, बाकी आपको 9 मिल जाएंगे। रेशियो विल बी 9:3:3:1, इसमें से 9 होंगे राउंड येलो, 3 होंगे राउंड सॉरी 3 होंगे राउंड ग्रीन और 3 होंगे बेटा रिंकल्ड येलो और बेटा 1 होगा रिंकल्ड ग्रीन। और बहुत सारे लोग इस चीज को समझने के मूड में नहीं है, वो नहीं चाहते कि समझे तो ना समझे। ये रहा पेरेंटल प्रोजनी, ये रहा पेरेंटल की तरह दिखने वाली प्रोजनी, ये 9 पेरेंटल की तरह, ये 1 पेरेंटल की तरह, ये रहे रिकॉम्बिनेंट। और ये कब हुआ? जब गैमीट्स जो थे वो 50% थे पेरेंटल और 50% थे रिकॉम्बिनेंट। मैं यकीन से कहता हूं जो मैंने ये लिखा, लोग बहुत ज्यादा लोग बहुत चक्कर हो जाते हैं, मैं गैमीट बता रहा हूं, ये गैमीट रहे रिकॉम्बिनेंट, ये दोनों गैमीट रहे पेरेंटल, ये दोनों गैमीट रहे रिकॉम्बिनेंट, ये दोनों रहे पेरेंटल, 50% पेरेंटल 50% रिकॉम्बिनेंट, 50% पेरेंटल 50% रिकॉम्बिनेंट। जब गैमीट 50% पेरेंटल और 50% रिकॉम्बिनेंट, तब रेशियो आता है 9:3:3:1, जिसमें 6 आउट ऑफ 9, 1 10 6 16 6/16 है बेटा रिकॉम्बिनेंट, 9/16 बेटा एक पेरेंट की तरह है, 9/16 एक पेरेंट की तरह है, 1/16 दूसरे पेरेंट की तरह है, या फिर हम बोल सकते हैं 10/16 टोटल पेरेंटल है। जब गैमीट 50% पेरेंटल और 50% रिकॉम्बिनेंट, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, याद रखेंगे 9 को रिप्रेजेंट करने वाले राउंड येलो है, 3 को राउंड ग्रीन है, 3 को रिंकल्ड येलो है और 1 को रिंकल्ड ग्रीन है। Although, आप लोग इसे समझेंगे नहीं तो लिखा रह जाएगा और ये केवल एक मैथमेटिक्स का टूल बना रह जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक बार इसे देखिए और फिर मुझे बताइए कि आपको क्या समझ में आ रहा है। ओके, तो रेशियो आया 9:3:3:1 और ये तब आया जब गैमीट का परसेंटेज क्या है बेटा, गैमीट का परसेंटेज है यस 50% पेरेंटल और 50% रिकॉम्बिनेंट। यहां पर कुछ लोग इस पॉइंट को समझ नहीं पाते कि ये सब कैसे आ रहा है और क्या आ रहा है, तो वो पुनेट स्क्वायर से आप लोग पता करेंगे। इनकी कुछ ट्रिक्स भी हैं, वो ट्रिक्स भी मैं बता सकता हूं, लेकिन टाइम बहुत तेजी से रन कर रहा है, कभी ना कभी जब हम लोग फुल टाइम पर क्लासेस करेंगे तो उन ट्रिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि कैपिटल आर स्मॉल आर का जो एलील पेयर है वो जब अलग होगा तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई के किसी भी एलील के साथ जा सकता है। ओके, और इस तरीके से आपने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में बात की। नाउ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का सबसे बड़ा एक्सेप्शन, थर्ड लॉ, एक्सेप्शन जो हमारा तीसरा लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, उसका जो सबसे बड़ा बेटा एक्सेप्शन है वो है लिंकेज। और मैं जानता हूं कि मैं इतने दिनों से जेनेटिक्स पढ़ा रहा हूं और जेनेटिक्स पढ़ाते वक्त बच्चे हमेशा मुझसे कहते सर लिंकेज समझ में नहीं आया, सो आई एम गोइंग टू ट्रीट विद द लिंकेज। आप लिंकेज को समझने की कोशिश करिएगा कि लिंकेज एक्चुअली क्या है। अगर लिंकेज आप समझ पाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि लिंकेज क्यों होता है और कैसे होता है। मैं इसको देखने के लिए आपको अलग से दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं जो मैंने आपको सिखाया। देखिए, मैंने लिया था कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अगर मैं कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई की जगह पर कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी ले लूं, ये दो अलग अलग जीन लूं, जैसे यहां कैपिटल आर अलग जीन है कैपिटल वाई अलग जीन है, वैसे कैपिटल ए कैपिटल बी ले लूं, तो यहां पर लेना पड़ेगा स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। अब मेरे लिए कोई भी ए और बी का मतलब एनी जीन हो गया, अगर एनी जीन हो गया तो क्या होगा, अब ये दोनों क्रॉस करेंगे, जैसे ही क्रॉस करेंगे इधर से आएगा कैपिटल ए इधर से आएगा स्मॉल ए, इधर से आएगा कैपिटल बी इधर से आएगा स्मॉल बी। कैसे आया मैं बहुत बार कर चुका हूं, दोबारा मुझसे मत करवाओ। और जब इनके गैमीट बनाएंगे तो ये एक हेट्रोजाइगस ये एक हेट्रोजाइगस,
और गैमीट्स का नंबर मैंने बनाने के लिए पहले ही बताया आपको 2 to the power n, इसका मतलब दो जगह पर हेटरोजाइगस है, जो 2 to the power 2, दैट इज 4, 4 गैमीट बनने चाहिए। कैसे बनने चाहिए मैं बनाना दिखा चुका हूं, फिर से एक बार देख लो। लेट सपोज ये रहा कैपिटल ए, तो इसके सामने आया स्मॉल ए, कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए। अगर ये रहा कैपिटल बी, तो इसके सामने आया स्मॉल बी। अब देखिए कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी आ सकता है, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी आ सकता है एक गैमिट, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ सकता है, यस कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ सकता है दूसरा गैमिट, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ सकता है तीसरा गैमिट, और स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी आ सकता है चौथा गैमिट। ये रहा 25%, ये रहा 25%, ये रहा 25%, ये रहा 25%, ये दोनों रहे रिकॉम्बिनेंट, ये रहा पेरेंटल, ये रहा पेरेंटल। 50% गैमिट पेरेंटल है, 50% रिकॉम्बिनेंट है। ये तब हुआ जब दोनों के दोनों जीन, फिर से सुनो, ये एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है और ये दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग है और ये होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग है, यानी दोनों जीन के पेयर यानी दोनों एलील पेयर एक ही क्रोमोसोम में है कि अलग अलग, अलग अलग क्रोमोसोम में, और अगर अलग अलग क्रोमोसोम में है तो याद रखना इनमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आ रहा है, और अगर इनमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आ रहा है तो इस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाले गैमेट जब फ्यूज होंगे तो रेशियो निकालेंगे 9:3:3:1। ये F2 के प्रोजनी है। हो सकता है जो मैं काम कर रहा हूं ये आपको बहुत मुश्किल में डाल दे, हो सकता है आपको लगे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे पास जितना समय है उसमें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है समझ में भी आ जाए, अगर समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं समझ में आ जाए तो फिर मैं कोशिश करूंगा कभी ना कभी। आज के लिए फिर देख लो, दोनों एलील पेयर अलग अलग क्रोमोजोम में है, जब अलग अलग क्रोमोजोम में है तो उनके छूटने का तरीका अलग अलग है। कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी भी आ सकता है, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी भी आ सकता है, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ सकता है, स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ। कुछ लोग बोलते हैं सर क्या कैपिटल ए के साथ कैपिटल ए आ सकता है, स्मॉल ए आ सकता है? नहीं, क्योंकि गैमिट बनाते वक्त ये अलग होंगे। क्या सर कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी आएगा? नहीं, ये भी गैमिट बनाते वक्त अलग होंगे। लेकिन मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी कंडीशन आती है कि एक ही क्रोमोजोम में इस लोकस पर कैपिटल ए है और इस लोकस पर स्मॉल ए है, इस लोकस पर कैपिटल बी है और इस लोकस पर स्मॉल बी है। कुछ लोग को जैसे ही मैं ये समझाता हूं लोग तुरंत मेरे पास गुस्से में आ जाते हैं कि सर एक क्रोमोसोम में दो जीन कैसे हो सकते हैं, यहां पर एक क्रोमोसोम में एक जीन, दूसरे क्रोमोसोम में दूसरे जीन, आपने यहां पर एक ही क्रोमोसोम में ए रख दिया, एक ही क्रोमोसोम में बी रख दिया। तो मैं कहूंगा प्यारे इस तरीके से सोचो कि हमारे पास 23 पेयर क्रोमोसोम है और हर क्रोमोसोम में केवल एक जीन होता तो हमारे पास 23 पेयर करेक्टर होते। कितने करेक्टर? 23 या 46 ट्रेट होते, पर हमारे पास हजारों करेक्टर है। अगर हजारों करेक्टर है तो हजारों जीन होंगी, और हजारों जीन होंगी तो वो जीन रहेंगी कहां? वो जीन रहेंगी क्रोमोसोम में। और हजार क्रोमोसोम नहीं है, इसका मतलब क्रोमोसोम कम है और जीन ज्यादा है, तो इसका मतलब एक क्रोमोसोम में एक से ज्यादा जीन रह सकती है। तो मान लीजिए ये बंदा कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी है, तो दूसरा बंदा भी यस कैपिटल ए कैप और बेटा कैपिटल बी और दूसरा स्मॉल ए स्मॉल बी है, यानी ये बंदा भी कैपिटल ए स्मॉल बी है। कई बार बच्चे मानते नहीं है कि सर यहां तक ऐसा हो पाएगा, शुरुआत से बताइए, तो मैं कहता हूं ठीक है टाइम लगेगा लेकिन शुरुआत से देखो, मैं आपको वहीं पहुंचाऊंगा जो मैंने लिखा। मान लीजिए ये मेल है और ये मान लीजिए फीमेल है, मुझे यहीं तक आपको पहचानना है। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य कैसे रखिए, अभी आपने बोला था एक बंदा था कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी और दूसरा बंदा था स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। अगर आप भूल रहे हो तो मैं एक बार और लिखता हूं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। हर बार स्मॉल आर कैपिटल आर से मत चलो, आप ऐसे भी सीखो कि कोई भी दो जीन ले रहे हो कैसे रही होंगी। देखिए कैपिटल ए के सामने रहा होगा कैपिटल ए, स्मॉल कैपिटल बी के सामने रहा होगा कैपिटल बी, पर देखिए दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम में। नाउ
अब इसमें देखिए इट इज स्मॉल ए के सामने रहा होगा स्मॉल ए, और बेटा स्मॉल बी के सामने रहा होगा स्मॉल बी। इस तरीके से ये दूसरा बेटा बंदा है। अब ये दोनों पैरेंटल है, पैरेंटल हमेशा होमोजाइगस होते हैं। देखिए होमोजाइगस है, कैपिटल ए के सामने कैपिटल ए, स्मॉल ए के सामने स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने कैपिटल बी, स्मॉल बी के सामने स्मॉल बी। एंड नाउ दे विल क्रॉस ब्रीड, क्रॉस ब्रीड तो मतलब गैमीट बनाएंगे। अब ये जब गैमीट बनाएंगे तो ये क्रोमोजोम अलग, ये क्रोमोजोम अलग, जब भी ये क्रोमोजोम अलग आएगा तो जहां कैपिटल ए जाएगा वहीं पर कैपिटल बी जाएगा। ये बात समझ में नहीं आई मुझे, ये नहीं समझ में आई कि सर आपने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जहां ये क्रोमोसोम जाएगा उस क्रोमोसोम में बैठे हुए दोनों जीन भी वहीं जाएंगे, जहां ये बस जाएगी उस बस की सीटों में बैठे हुए सवारी भी वहीं जाएंगी। तो ये अलग बेटा गैमीट बनाएगा और ये अलग गैमीट बनाएगा लाइक दिस, कैपिटल ए और कैपिटल बी, ये अलग गैमीट बनाएगा। पर चूंकि दोनों गैमीट एक जैसे हैं, बंदा होमोजाइगस है तो गैमीट एक जैसे हैं। अब बताइए ये रहे मेल गैमीट, अब जरा इसको देखिए, यहां पर आया स्मॉल ए और यहां पर आया स्मॉल बी, एक गैमीट तो दूसरा भी अलग होगा तो यही गैमीट आएगा स्मॉल ए और स्मॉल बी। यानी ये अगर हम मान लेते हैं मेल गैमीट और ये मान लेते हैं फीमेल गैमीट, तो ये फ्यूज होने नहीं क्योंकि ये दोनों मेल है, ये दोनों फ्यूज होने नहीं क्योंकि ये दोनों फीमेल है, ये दोनों फ्यूज होंगे। और जैसे ही ये दोनों फ्यूज हुए भाइयों बहनों आपके सामने वही चमत्कार आ गया, इधर से आया कैपिटल ए और कैपिटल बी वाला, तो इधर से आया स्मॉल ए और स्मॉल बी वाला, और ये है F1 प्रोजनी। सारे F1 प्रोजनी ऐसे ही होंगे, और अगर आप देखें तो यही मैंने लिखा है, दिस इज F1 प्रोजनी, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो आपने तो सर दूसरा भी लिखा है, मैंने कहा इनकी करनी है सेल्फिंग, क्या करनी है सेल्फिंग, और अगर सेल्फिंग करनी है तो जैसा मेल वैसा फीमेल, ये रहे दो इंडिविजुअल। अगर आपकी बुद्धि सही चल रही है मेरे साथ तो आज कुछ हम लोग कर पाएंगे, और अगर बुद्धि सही नहीं चल रही है तो ये बड़ा मुश्किल आपके लिए होने वाला है, मैं जानता हूं कई बार मुश्किल होने वाला है। अब ये अगर F1 है तो F1 की सेल्फिंग करने के लिए इनके गैमीट बनाइए, रिलैक्स होकर के सोच लीजिए गैमीट बनाइए। जैसे ही गैमीट आप बनाने चलेंगे, देखिए भाई साहब गैमीट बनाते वक्त जब ये क्रोमोसोम अलग अलग आएगा, यस अगर बेटा क्रोमोसोम अलग अलग आएगा तो इस वाले क्रोमोसोम के साथ कैपिटल ए आ गया और इस वाले ही क्रोमोसोम के साथ कैपिटल बी आ गया, देखा ओके, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी आ गया। दूसरा वाला गैमीट के साथ क्या हुआ, यस ये वाले के साथ स्मॉल ए आ गया और ये वाले के साथ स्मॉल बी आ गया। यानी कि जितने भी गैमीट बने एक पेरेंट से 50% गैमीट ऐसे बनने चाहिए और 50% गैमीट ऐसे बनने चाहिए। आपको क्या फर्क पड़ता है सर क्या बने, क्योंकि आप तो भूल ही गए कि आपने क्या बनाया था, आपने क्या बनाया था आप भूल चुके हैं। क्यों, क्योंकि मैंने तब आपको पढ़ाया था कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए और कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी, और जब गैमीट बनवाया था तो मैंने कहा था कैपिटल ए के सामने कैपिटल बी आ सकता है, एक सॉरी कैपिटल ए के सामने कैपिटल बी आ सकता है, कैपिटल ए के सामने, और मैंने आपको बनवाया था स्मॉल ए के सामने कैपिटल बी आ सकता है। कुछ लोग भूल गए होंगे कि क्या पढ़ा रहा हूं मैं, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ सकता है, और मैंने चौथा गैमीट बनवाया था स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी आ सकता है। ये पेरेंटल ऑयल ए कैपिटल बी मैं लिख दे रहा हूं, इट वॉज स्मॉल ए स्मॉल बी मैं लिख दे रहा हूं, इट वॉज कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी, ये दोनों रिकॉम्बिनेंट गैमीट बनाए थे मैंने। लेकिन ये तब हुआ था जब जीन पेयर अलग अलग क्रोमोसोम में थे, इसलिए एक जीन पेयर का असॉर्टमेंट दूसरे जीन पेयर पे डिपेंड नहीं था। अब आप देखेंगे कि जहां कैपिटल ए जा रहा है वहीं पर कैपिटल बी जाने को मजबूर है, जहां पर स्मॉल ए जा रहा है वहीं पर स्मॉल बी जाने को मजबूर है, क्योंकि दोनों के दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट हैं। एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट होने की वजह से ये दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम में लिंक हैं।
लिंक्ड होना इट इज नोन एज लिंकेज। और अगर लिंकेज हुआ तो जहां कैपिटल ए जा रहा वहां कैपिटल बी जाएगा, जहां स्मॉल ए जा रहा वहां स्मॉल बी जाएगा, यानी 50% चांसेस हैं कैपिटल ए कैपिटल बी आने के, 50% चांसेस हैं स्मॉल ए स्मॉल बी आने के। इसका मतलब ये भी पैरेंटल कॉम्बिनेशन है और ये भी पैरेंटल कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब अगर लिंकेज हुआ बच्चों तो रिकॉम्बिनेंट बनने के चांसेस नहीं होने चाहिए थ्योरेटिकली। फिर से बड़ा पेशेंस दिखा रहे, अगर कैपिटल ए कैपिटल बी पैरेंटल है, देखिए कैपिटल ए कैपिटल बी पैरेंटल होता है, स्मॉल ए स्मॉल बी भी पैरेंटल होता है, स्मॉल ए स्मॉल बी पैरेंटल होता है, कैपिटल ए स्मॉल बी रिकॉम्बिनेंट होता है, स्मॉल ए कैपिटल बी रिकॉम्बिनेंट होता है, अगर लिंकेज हुआ तो जहां ये क्रोमोसोम जाएगा वहां पर कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी जाएगा, जहां ये क्रोमोसोम जाएगा वहां पर स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी जाएगा। तो मजबूरी है कि पैरेंटल कॉम्बिनेशन, पहला पैरेंटल कॉम्बिनेशन 50% बनना चाहिए, दूसरा पैरेंटल कॉम्बिनेशन 50% बनना चाहिए। हो गया। लेकिन बेटा एक छोटी सी बात हो जाती है, और वो बात क्या है जरा उस बात को समझने की कोशिश करिए, और वो बात है क्रॉसिंग ओवर। अगर लिंकेज परफेक्ट हो दुनिया में, लिंकेज परफेक्ट हो तो केवल पैरेंटल गैमेट ही बने, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी है, स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी है। लेकिन देयर इज अ प्रोसेस इन मियोसिस, इसलिए मियोसिस आप लोग पढ़िए और जब मैं पढ़ाऊंगा तब भी पढ़िएगा। मियोसिस में एक प्रोसेस होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के दौरान सिरिस होमोलॉगस क्रोमोसोम ले रहा कैपिटल ए, ये रहा कैपिटल बी, कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए और ये रहा स्मॉल बी। होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ क्रॉस ओवर ब्रिज बनाते हैं, और क्रॉस ओवर ब्रिज बनाने का मतलब है एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के साथ क्रॉस कर जाता है, यानी कैपिटल ए यहां था तो कैपिटल बी यहां गया, और स्मॉल ए यहां था तो स्मॉल बी यहां गया। और अगर आप मैंने कट कर दूं तो बताइए कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी भी आ सकता है और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी भी आ सकता है। इसका मतलब है रिकॉम्बिनेंट गैमीट भी बनेंगे, और इन रिकॉम्बिनेंट गैमीट बनने का कारण क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर। क्या कारण होगा? क्रॉसिंग ओवर। नहीं आया। फिर से देखो, कैपिटल ए कैपिटल बी साथ रहना चाहते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी साथ रहना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि एक ही क्रोमोसोम में। लेकिन जब ये सेपरेट हो रहे हैं तो सेपरेट होने का कारण क्या है? मियोसिस। मियोसिस होने के पहले वो क्या करेंगे? क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर करते वक्त कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ सकता है और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी जा सकता है क्रॉस ओवर बना करके। लेकिन हर क्रॉसिंग ओवर में ये दोनों अलग हो ये जरूरी नहीं है। वॉट इट मीन्स, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आना और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आना ये रिकॉम्बिनेंट गैमीट को बनाता है। इसका मतलब अगर 50% पेरेंटल नहीं हुआ और ये 50% पेरेंटल नहीं हुआ तो कुछ परसेंटेज बेटा रिकॉम्बिनेंट भी जाएगा, लेकिन शर्तियां रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज 50% से कम होगा और आफत। फिर से देखो, यहीं पर आकर के हम लोग मात खाते हैं, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए अगर एक बार में समझ ना आए क्योंकि हम लोग आमने सामने नहीं है तो मैं यहां पर लिखता हूं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का केस। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये आज हमारी बेसिक का आखिरी दिन है, मैं इतना ही पढ़ा पाऊंगा, है ही नहीं टाइम। और ये रहा लिंकेज का केस, तो मैं दोनों ही केस आपको दिखाता हूं, एक एक करके देखते जाइए। ये रहा कैपिटल ए स्मॉल ए, ये रहा कैपिटल बी स्मॉल बी। मैं F1 की जनता लेके चल रहा हूं, F1 की जनता को लेके चल रहा हूं। लिंकेज के केस में एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट है दोनों, कैपिटल ए कैपिटल बी और दूसरा था स्मॉल ए स्मॉल बी। अभी भी कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी, अभी भी कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी। लेकिन
इन दोनों केसेस में, प्लीज ध्यान सुनिए, इन दोनों केसेस में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में दोनों एलील अलग अलग क्रोमोसोम में, इन दोनों में दोनों एलील एक ही क्रोमोसोम में, एक ही क्रोमोसोम में होना लिंक्ड होना होता है, लिंक हुए हो, और लिंक होना ही कहलाता है लिंकेज। ओके, अब इसे सीखते हैं। जब ये गैमेट बेटा सेपरेट हो रहे होंगे तो एक तरफ अगर कैपिटल ए आ रहा होगा तो दूसरी तरफ स्मॉल ए जा रहा होगा, लेकिन इस पेयर में से एक तरफ कैपिटल ए तो दूसरा तरफ स्मॉल ए, तो ये पेयर भी तो अलग होगा। हो सकता है जिस समय पर ये पेयर अलग रहा हो रहा हो तो इधर कैपिटल बी आ रहा हो तो इधर स्मॉल बी आ रहा हो, लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है कि कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ रहा हो। अगर कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ रहा होगा तो उसी समय पर स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी जा रहा होगा। So, ये है कैपिटल ए कैपिटल बी, ये है स्मॉल ए स्मॉल बी, ये है कैपिटल ए स्मॉल बी, और ये है स्मॉल ए कैपिटल बी। ऊपर वाले दोनों पेरेंटल है, नीचे वाले दोनों रिकॉम्बिनेंट है। ये 25%, ये 25%, ये 25%, ये 25%। हमने बोला पेरेंटल कितना है 30% टोटल, और रिकॉम्बिनेंट कितना है 50%। अब अगर लिंकेज हुआ तो दोनों जीन एक साथ लिंक है, अब इन्हें अलग करिए। अगर परफेक्ट लिंकेज हुआ तो एक जगह पर कैपिटल ए जाएगा और कैपिटल बी जाएगा, दूसरी जगह पर स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी जाएगा। क्यों कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो अलग पेयर क्रोमोजोम में है। और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि वो अलग क्रोमोजोम में है। इस तरीके से 50% ये बना, 50% ये बना, और देखा जाए तो 50-50 100% पेरेंटल होना चाहिए, 100% पेरेंटल होना चाहिए। यानी अगर लिंकेज है तो सारे गैमेट 100% पेरेंटल होने चाहिए, लेकिन यहां पर हम मात खा गए। मात क्या खा गए कि जब ये दोनों क्रोमोसोम अलग हो रहे थे तो क्रोमोसोम अलग होने के पहले, फिर से सुनना, क्रोमोसोम अलग होने के पहले दे क्रॉस ओवर टू ईच अदर, यानी कैपिटल ए के साथ जो कैपिटल बी था वो क्रॉस हो गया, और स्मॉल ए के साथ जो स्मॉल बी था वो भी क्रॉस हो गया। और क्रॉस होने की वजह से, ऊपर वाले केस देखिएगा, क्रॉस होने की वजह से कैपिटल ए के साथ आ गया स्मॉल बी एक कंडीशन, और स्मॉल ए के साथ आ गया कैपिटल बी दूसरी कंडीशन। यानी कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी भी आ सकता है, एंड दिस इज ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। पर यहां पर आपका दिमाग काम करेगा, 100 क्रोमोसोम है, फिर से सुनना, और 100 के 100 गैमीट आपस में फ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। हर क्रोमोसोम क्रॉस ओवर ब्रिज बना रहा है। जरूरी नहीं है कि वो क्रॉस ओवर ब्रिज उन दोनों जीन के बीच से गुजरे, हो सकता है वो क्रॉस ओवर ब्रिज उनके बाहर से गुजर जाए, तो क्रॉसिंग ओवर के बावजूद भी वो दोनों अलग नहीं होंगे। ट्राई टू थिंक इट। कई बार ऐसा होगा, इसी कंडीशन को देखो, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यहां कैपिटल ए था, यहां कैपिटल बी था, यहां स्मॉल ए था, यहां स्मॉल बी था, और क्रॉसिंग ओवर हुई। मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है तो यहां पर भी होगी, लेकिन वो क्रॉसिंग ओवर ब्रिज ए और बी के बीच से गुजरा नहीं। अगर ए और बी के बीच में गुजरा नहीं तो वो दोनों अलग नहीं हुए। तो हर बार क्रॉसिंग ओवर में जरूरी नहीं है कि ये लोग अलग हों, और अगर हर बार क्रॉसिंग ओवर में ये अलग नहीं होंगे तो इनका परसेंटेज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से कम ही आएगा। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में इनका परसेंटेज कितना आता है? 25A 25A, इसका मतलब 50% आता है। इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर होने पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से रिकॉम्बिनेंट का नंबर कम ही आएगा, इट विल बी लेस देन 50%। और अगर ऐसा हुआ तो जो रेशियो 9:3:3:1 आता था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, वो रेशियो बदल जाएगा, डेविएट हो जाएगा, इट मे बी 10, यस, इट मे बी 7:7:1:1। यूं भी हो सकता है कि बेटा आपके रिकॉम्बिनेंट कम हो जाएं और पेरेंटल बढ़ जाएं। तो याद रखना, जब जब लिंकेज होगा पेरेंटल कॉम्बिनेशन बढ़ेंगे, पेरेंटल विल इंक्रीज और रिकॉम्बिनेंट विल डिक्रीज। और आप याद रख लो, और जब जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा
50% पेरेंटल और 50% रिकॉम्बिनेंट होंगे। इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट 50% से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकते। अगर लिंकेज हुआ तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन बढ़ने लगेंगे, रिकॉम्बिनेंट कम होने लगेंगे। फिर से, अगर लिंकेज हुआ तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन का अमाउंट बढ़ने लगेगा, रिकॉम्बिनेंट का अमाउंट घटने लगेगा। और इसे बोलते हैं लिंकेज। जब किसी एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट सारे जीन आपस में लिंक होते हैं तो उनके लिंक होने की वजह से उनके असॉर्ट होने का, टूटने का तरीका एक साथ ही होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता। इसका मतलब लिंकेज इज अ एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इस बात को एनसीईआरटी ने बड़ी गजब तरीके से सिखाया है। जो आप सीख नहीं पाते हो, और सीख नहीं पाते तो आप गालियां देते हो, वो देखते हैं कि दो जीन है, एक है W और एक है M। आपके पेज नंबर को मैं बता दे रहा हूं, वो पेज देख लीजिएगा, और कैसे आया वो फिर मैं कभी बताऊंगा। एक है W और एक है M, देख लीजिएगा आपके सामने है। और W और M W प्लस M प्लस है, ये दोनों पेरेंटल जीन है, और दूसरी जीन बेटा इसकी रिसेसिव है, दैट इज नोन एज W और M। यानी W प्लस M प्लस साथ रहना चाहते हैं, W और M साथ में रहना चाहते हैं। तो अगर मैं पढ़ाऊं तो मैं बोलूंगा कि सर W प्लस M प्लस ये एक पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, W और M ये दूसरा पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, लेकिन W प्लस के साथ M आ जाए, या बेटा W के साथ स्मॉल m प्लस आ जाए, ये रिकॉम्बिनेंट है। और अगर इन सारी जीन में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता तो याद रखना 25% ये बनता, 25% ये बनता, 25% ये बनता, 25% बनता। लेकिन इन जीन में लिंकेज है, क्योंकि ये जीन एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, और इस वजह से इनका जो रिकॉम्बिनेंट आएगा वो 50% से कम आएगा। तो इनके बनने की चांसेस, W प्लस M और W M प्लस के बनने के चांसेस 37.2 दिए गए हैं। 37.2 देने का मतलब यह है कि इनका जो बेटा रिकॉम्बिनेंट है वो कम है, और रिकॉम्बिनेंट कम है किससे, 50% से कम। और 50% से रिकॉम्बिनेंट कम हो तो वो केवल किसे बताता है, लिंकेज। अब लास्ट चीज में और ट्राई करता हूं, शायद आ जाए, नहीं तो क्लासरूम स्टडीज में मैं कोशिश करूंगा जब आप क्लासरूम स्टडीज में आए। जरा इसे देखिए, एक कंडीशन है कैपिटल ए और कैपिटल बी जीन की, उसी के सामने है स्मॉल ए और स्मॉल बी के जीन के चांसेस। ओके, एक ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन है दूसरे क्रोमोसोम पे एक्स वाई जीन ले लो, या फिर वाई जेड जीन ले लो। चलो ये रहा वाई जीन की और ये रहा जेड जीन की। तो अगर ये वाई जीन है, ये जेड जीन है, तो ये होगा स्मॉल वाई और ये होगा स्मॉल जेड। अब देखिए, कैपिटल ए और कैपिटल बी की पोजीशन एक ही क्रोमोसोम में, ठीक उसी समय कैपिटल वाई कैपिटल जेड की पोजीशन भी एक ही क्रोमोसोम में, स्मॉल ए स्मॉल बी की पोजीशन एक ही क्रोमोसोम में है, तो स्मॉल वाई स्मॉल जेड की भी क्रोमोसोम एक ही क्रोमोसोम में है। ये दोनों जीन लिंक है, 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 सब लिंक है। लेकिन लिंक्ड जीन में बेटा रिकॉम्बिनेंट कैसे बनते हैं, रिकॉम्बिनेंट बनते हैं क्रॉसिंग ओवर से। चलिए अब इनके क्रॉसिंग ओवर करा रहे हैं, यहां से क्रॉस ओवर बन सकता है, ये दोनों अलग नहीं हुए, यहां से क्रॉस ओवर हो सकता है तब भी ये दोनों अलग नहीं हुए, ये यहां से क्रॉस ओवर हो सकता है तब भी ये दोनों अलग नहीं हुए, यहां से क्रॉस ओवर हो सकता है तब भी ये दोनों अलग नहीं हुए, जब भी क्रॉस ओवर ब्रिज यहां से जाएगा तब भी अलग हो पाएंगे। ओके, अब देखिए यहां से क्रॉसओवर ब्रिज बना तब भी ये दोनों अलग हो गए, यहां से क्रॉसओवर ब्रिज बना तब भी ये दोनों अलग हो गए, यहां से क्रॉसओवर ब्रिज बना तब भी ये दोनों अलग हो गए, यहां से क्रॉसओवर ब्रिज बना तब भी ये दोनों अलग हो गए, यहां से भी क्रॉसओवर, कहीं से भी इनके बीच में क्रॉसओवर ब्रिज बना, दोनों अलग हो जाते हैं। तो अगर लिंक्ड जीन के बीच में दूरी ज्यादा है तो इन जीन का क्रॉसओवर में जाने का चांसेस ज्यादा, और अगर क्रॉसओवर में जाने का ज्यादा चांसेस है, अगर क्रॉसिंग ओवर का चांस ज्यादा है, चांस ज्यादा है, मोर है, तो याद रखना रिकॉम्बिनेंट बनने का भी चांस ज्यादा होगा, रिकॉम्बिनेंट विल बी मोर। और अगर क्रॉस ओवर में कम है इनके बीच में, क्रॉस ओवर इज लेस,
तो इनसे रिकॉम्बिनेंट भी कम बनेंगे, याद रखना रिकॉम्बिनेंट भी इनसे लेस बनेंगे। क्यों? क्योंकि लिंकेज जीन कभी इंडिपेंडेंट रूप से अलग नहीं होते, लिंकेज वाले जीन जब भी अलग होते हैं तो वो क्रॉस ओवर से ही अलग होते हैं। तो जितना ज्यादा दूर उतना उनके रिकॉम्बिनेंट बनने के चांसेस ज्यादा, जितना ज्यादा पास उतना रिकॉम्बिनेंट बनने के चांसेस कम। इसीलिए इस तरीके के लिंकेज को बोलते हैं टाइट लिंकेज, और इस तरीके के लिंकेज को बोलते हैं लूज लिंकेज। बताइए लूज लिंकेज हो कि टाइट लिंकेज हो, दोनों लिंकेज ही है, दोनों इंडिपेंडेंट सॉर्ट नहीं है। ये भी दोनों जीन लिंक है, ये भी दोनों जीन लिंक है, लेकिन इसका नाम लूज लिंकेज क्यों है, इसका नाम टाइट क्यों है? क्योंकि इसमें रिकॉम्बिनेंट बनने के चांसेस ज्यादा, क्योंकि इसमें क्रॉस ओवर होने के चांसेस ज्यादा और इसमें क्रॉस ओवर के चांसेस कम, इसलिए ये टाइट है और वो लूज। और पता कैसे लगाओगे? जिसका रिकॉम्बिनेंट कम वो टाइट, जिसका रिकॉम्बिनेंट ज्यादा वो लूज, लेकिन दोनों का रिकॉम्बिनेंट 50% से कम। क्यों? क्योंकि 50% तो तब आता जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता, फिर से 50% तो तब आता रिकॉम्बिनेंट जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो, और अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है तो रिकॉम्बिनेंट हमेशा 50% से कम आएंगे, रिकॉम्बिनेंट विल बी ऑलवेज 50% से कम आएंगे। अब दो कंडीशन आपकी बुक में दी गई है, एक दी गई है डब्ल्यू एम वाली जीन जिसमें रिकॉम्बिनेंट 37.2 है, दूसरी जीन दी गई है वाई डब्ल्यू वाली जीन, इन्होंने दिया वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, एक मेंबर है, दूसरा मेंबर है यस, दूसरा मेंबर है यस वाई डब्ल्यू। तो अब देखिए गैमीट क्या बनने के चांसेस होंगे, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस एक गैमीट बनता होगा, वाई डब्ल्यू दूसरा गैमीट बनता होगा, ये भी पैरेंटल ये भी पैरेंटल, लेकिन Y प्लस के साथ W आना ये रिकॉम्बिनेंट है, और Y के साथ W प्लस आना ये रिकॉम्बिनेंट है, पर इन रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज यहां पर दिया गया है, यस इट इज गिवन लाइक 1.2% आई थिंक 1.3%। अब ध्यान से देखिए 37.2% भी 50% से कम है, 1.3% भी 50% से कम है। इसका मतलब अगर रिकॉम्बिनेंट 50% से कम है तो एक बात तो तय है कि यहां पर क्या प्रेजेंट है, लिंकेज। अगर रिकॉम्बिनेंट 50% से कम है, अगर रिकॉम्बिनेंट 50% से कम है तो क्या प्रेजेंट है, लिंकेज। लेकिन इन दोनों लिंकेज में इसमें रिकॉम्बिनेंट 37.2 है और इसमें रिकॉम्बिनेंट 1.3% है, इसका मतलब इसमें क्रॉस ओवर ज्यादा बन रहे हैं तभी तो ये अलग हो रहा है, और इसमें क्रॉस ओवर कम बन रहे हैं इसलिए कम अलग हो रहा है। इसका मतलब जिसमें 1.3% है उसमें रिकॉम्बिनेंट लेस है, इसलिए वो कैसा लिंकेज है, टाइट लिंकेज, और जिसमें 37.2 बन रहा है वो कैसा लिंकेज है, इट इज लूज लिंकेज। सो आई नो इट इज नॉट डन, ऐसा नहीं है कि सब कुछ हो पाएगा, तो मैं बेसिक रूप से आपको तीनों लॉ पढ़ाना चाहता था मेंडल के, और वो तीनों लॉ मैंने पढ़ा दिए। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये पहला लॉ पढ़ा दिया मैंने, दूसरा पढ़ाया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा लॉ पढ़ाया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। याद रखना ये दोनों लॉ मोनो हाइब्रिड में लगे और ये वाला लॉ डाई हाइब्रिड में लगा। और एक चीज और बता दूं, इसका भी एक्सेप्शन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डोमिनेंस इनका एक्सेप्शन है, इनका भी एक्सेप्शन है, लिंकेज इनका एक्सेप्शन है। दिस इज द लॉ नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल का अकेला लॉ है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, इट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इट इज प्योरिटी ऑफ गैमेट। सो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ अभी बाकी है, जैसे कि आप हीमोफेलिया ये सब चीज़ें देखना चाहते हैं, जब भी टाइम मिलेगा, क्योंकि मैं बोल देता हूँ बनाऊंगा तो आप लोग पूछ लगते हो कब बनाओगे वीडियो, टाइम बहुत कम है, क्लासेस ज़्यादा हैं, दिन में दो तीन क्लासेस लेनी पड़ रही हैं, तो जब भी कभी मौका मिला हीमोफीलिया और ब्लड ग्रुपिंग, उनके क्वेश्चन कैसे करते हैं, पेडिग्री एनालिसिस वो कैसे करते हैं, उनका मैं बनाऊंगा। फिलहाल मैं मेंडलिज्म वाले चैप्टर के तीनों बेसिक लॉ आपको समझा पाया, थैंक यू वेरी मच। फिर कभी जब क्लासरूम में आएंगे तो और अच्छे तरीके से समझाएंगे। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।